ये जो घर में घुसने वाली बात है ना, इंशाल्लाह पाकिस्तान से ज्यादा जबरदस्त कौम और फौज कोई भी नहीं है, ठीक है। अल्लाह के फजल से किसी की जरूरत नहीं है जो पाकिस्तान को घर में घुस के मारे। हम शेर हैं और शेर रहेंगे। तो उसामा बिन लादन को हमारे घर में घुस के अमेरिका वाले ले गए तो फिर हम कहाँ थे? देखिए जी, मैं तो बस इतनी बात कहूँगा कि एक दफ़ा तो इंडिया वालों को उनका पायलट वापस मिल गया था, ठीक है, तो दूसरी दफा हमें वापस नहीं करेंगे, बस यही काफी है। उनके स्टेटमेंट गौर से, उन्होंने कहा अगर पाकिस्तान ने पहल की या कुछ ऐसा, और वो कहते हैं कि ना हम सिर्फ यहाँ से मारेंगे, हम वहां पे भी आके जो है वो आपको मारेंगे, हम बॉर्डर क्रॉस कर जाएंगे। अब ये जो क्वेश्चन है, ये आई रियली वॉन्ट कि इसको क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी इसका नोटिस ले रही है, या इंटरनेशनल कम्युनिटी सोई हुई है, या पाकिस्तान ये समझता है कि बस ठीक है इलेक्शंस हैं आने वाले अगले साल, तो मोदी साहब को क्यों कही ये सारा कुछ करना है, या फिर ये है कि अगर मोदी साहब की जो सरकार है वो उधर मणिपुर वगैरह में खास बात है ना, तो इंशाल्लाह कोई भी नहीं आ सकता। ये सब हमारी हुकूमत का है, जो बड़े बड़े मिनिस्टर मिलजुल के सीएम सब वगैरह मिलजुल के काम होता है, किसी की जरूरत ही नहीं है। पाकिस्तान दूसरे मुल्क की चिड़ी नहीं फड़क सकती। अच्छा। तो आदमी किधर से आएंगे सर? तो आए हेलीकॉप्टर उतरे और ऑपरेशन किया। जी सर, हमारी गवर्नमेंट इनके साथ है, सब हमारी गवर्नमेंट पैसे लेती है इनसे आने के लिए। इनसे, उसामा बिन लादन से या अमेरिका से? अमेरिका से, जिससे भी लेती है। कहीं ऐसा तो नहीं है दोनों से कि ताकि उसे भी रखा था उधर से भी पैसे इधर? इसमें कोई शक ही नहीं है ऐसा। नम आप सिविलाइजेशन तो शरिया बोलेगा, बोरा में ढक लो औरत को, शरिया बोलेगा चार शादी कर लो, शरिया बोलेगा हलाला के नाम पे प्रोस्टिट्यूशन करा लो, शरिया बोलेगा कि तुम छोटी छोटी बच्चे से निकाह कर लो, शरिया बोलेगा कि हिंदू को पकड़ करके बंदूक के गोली पर तुम उससे उसको इस्लाम धर्म का कबूल करवाओ। तो ये बातें तो हमारे यहाँ नहीं हो सकती ना, और ये बातें अब बर्दाश्त भी नहीं होंगी यहाँ। तो ये पार्ट तो आपका निकल ही गया, आपके प्राइम मिनिस्टर इस पर क्या बात करेंगे? फैली हुई है बहुत सारे एरियाज में, बहुत सारे फ्रंट्स हैं। सो हम कहाँ पे खड़े हुए हैं इस सारे प्रोसेस के अंदर? मैं इसको मिलिटैरिली नहीं देख रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया का डिफेंस मिनिस्टर वाकई ये कह रहा है कि हाँ हो जानी है। मैं इसको देख रहा हूँ कि वाई पाकिस्तान पॉलिटिकल जो कल्चर है, जो पॉलिटिक्स है, वो खामोश क्यों है? क्यों पाकिस्तान समझता है कि यार ये नहीं, बात ही नहीं करनी चाहिए? क्यों पाकिस्तान ये समझता है कि नहीं यार ये जिंगोइज्म नहीं होनी चाहिए? मुझे एक दफा एक स्वार्थकार ने बताया, गधेड़ों की फौज गधे के साथ ही रहती है, कुत्ते की फौज। हेलो दोस्तों, देखिए राधा सिंह ने जो बयान दिया है कि अगर पाकिस्तान हमारे पर कुछ भी अपनी तरफ से करता है तो हम उन्हें घर में घुस के मारेंगे, तो इसको लेकर पाकिस्तान मीडिया जो हैरान है, परेशान है। और वहाँ के जो यार जो यूट्यूबर हैं और जो बाकी जो न्यूज़ चैनल है वो बोल रहे हैं कि यार पाकिस्तान क्यों खामोश है, पाकिस्तान को इसका जवाब देना चाहिए। तो दोस्तों देखो, जवाब देने के लिए पहले आपकी जेब में दम होना चाहिए। अगर भारत को ये जवाब देंगे तो ये बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि भारत जो घर में घुस कर ही मारता है, ऐसे नहीं मारता। अभी पिछली बार की आपको पता होगा कि आप किस प्रकार पाकिस्तान को घर में घुस के मारा था, और इन्होंने क्या कहते हैं, फिर अगले दिन उन्होंने खुद बोला कि यार हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, लेकिन बाद में इन्होंने खुद कबूला कि हाँ भारत की सेना जो एयरफोर्स थी उन्होंने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वो कर दिया, इन्होंने अपनी लाइटें तक की बुझा के रख दी थी। तो राजेंद्र सिंह ने जो बयान दिया वो बयान ऐसे ही नहीं दिया, हवाओं में बाजी नहीं कर रहे हैं। अगर आप हमें अपनी तरफ से कुछ करोगे तो फिर ये समझ लीजिए आपका क्या असर होगा, वो आपको पता है। तो दोस्तों अब इस वीडियो में हम आगे देखते हैं और पाकिस्तानी मीडिया ने क्या कहा। हम तो ऑडियंस है, हम अवाम ने तो नहीं ना करना, ठीक है। ये तो जो अवाम चाहती क्या है वैसे? अवाम तो यही चाहती है कि तलुकात ठीक हों, इम्पोर्ट हो, चीजें आए जाए, सुलह सलूक से। सारी बातें लड़ झगड़ के तो कुछ भी नहीं मिलता ना, बिल्कुल ऐसे ही है, उल्टा नुकसान ही होता है। आप क्या कहेंगे इसके ऊपर जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है? देखिए जी, मैं तो बस इतनी बात कहूंगा कि एक दफा तो इंडिया वालों को उनका पायलट वापस मिल गया था, ठीक है, तो दूसरी दफा हमें वापस नहीं करेंगे, बस यही काफी है। उनके स्टेटमेंट गौर से, उन्होंने कहा अगर पाकिस्तान ने पहल की या कुछ ऐसा किया, तो इसके ऊपर हमें ये नहीं कहना चाहिए कि भाई हम पहल नहीं करेंगे। जी मेरे ख्याल से तो ये बात है कि अगर पाकिस्तान अगर फर्स्ट ऑफ ऑल अगर वो पहल करेगा नहीं, ठीक है, और सेकंडली बात यह है कि अगर वो पहल करेगा ना तो वो इंशाल्लाह उनको दूसरा मौका नहीं देगा उसका रिस्पांस देने का इंशाल्लाह। ऐसे पाकिस्तानी आप क्या कहना चाहते हैं, रिलेशन बेहतर होने चाहिए, ये जो इस तरीके से स्टेटमेंट्स हैं या पहल? और देखें जी अगर बात रिलेशंस बेहतर करने की करें ना, तो हिंदू और मुसलमान जो है ना वो कभी भी भाई भाई नहीं बन सकता। अच्छा। और ये लोग वो है जिन्होंने प्यार से
काफ़ी साल पहले भी हमारी पीठ पे जो है ना छुरा वो घूमता था, और हमें लिहाजा इनके ऊपर बिल्कुल भी एतबार नहीं है। हम किसी भी किस्म का जो रिलेशन है वो नहीं बनाना चाहते हैं। हम अपने पाकिस्तान में अपने मुताबिक जी रहे हैं, तुम लोग अपने मुताबिक जियो। वो भी यही कहते हैं कि अगर ये सोच है तो फिर हम भी आपके साथ रिलेशन नहीं चाहते, लेकिन अगर आपने बोला इन्होंने जो बात की है हिंदू मुस्लिम भाई नहीं हो सकते, इसका मतलब है पाकिस्तान में जो हिंदू रहते हैं वो उनके साथ हम भाइयों वाला सलूक नहीं करते। हम तो बहुत अच्छा सलूक कर रहे हैं। उन्होंने तो बोला है हिंदू मुस्लिम भाई नहीं हो सकते, जाहिर बात है आपके आपके सामने ही है कि हम जो कर रहे हैं सलूक हमारी तरफ से तो कभी कोई वीडियो वायरल ही नहीं हुई ना। आप बताएं अगर कोई उनके पास कोई वीडियो है कि हम यहाँ पे कोई तशद्दुद कर रहे हैं हिंदुओं के ऊपर, तो फिर हमें दिखाएं। आप सोशल वहाँ पे तो आप देखें कश्मीर के ऊपर क्या वो कर रहे हैं। ठीक है, आप सोशल मीडिया यूज करते हैं? जी बहुत ज्यादा। आप कभी सिंध की वीडियोस जाके देखिएगा, सिंध में जिस तरीके से हिंदुओं के साथ फोर्स कन्वर्जन फोर्स मैरिज की बातें हो रही हैं, चीजें हो रही हैं, ये चीजें हमें भी गौर करने की जरूरत है। कैसे पाकिस्तान की पब्लिक जो सी है इन चीजों से अवेयर होगी, कैसे हम नेगेटिव वो जो किरदार होते थे जो बोलते थे लार्जली इस तरह के जो किरदार हैं आपको या तो इतने स्ट्रांग पॉलिटिकल एक्टर्स नहीं होते या फिर उनके इतनी कुछ स्ट्रांग रूट्स नहीं होती, मीडिया सेवी होते हैं, मीडिया उनको बड़ा पसंद करता है, वो मीडिया के में आते हैं जाके वो जिसे कहते हैं ना आके बस बोल दिया जो दिल था बोलना था, जैसे दिल किया वो बोल दिया और मीडिया ने उसको हाईलाइट कर दिया, लोगों को बड़ा मजा आया बात करने का सुनने का एंजॉय करने का। कभी कभी ऐसे लगता है कि ऐसे किरदार भी रियासत के पास होते हैं, लेकिन शायद वो किरदार सारे इस वक्त गायब हैं, और उसकी वजह ये है, किरदार गायब होने की वजह ये है कि ये सारे के सारे जो लोग हैं ये बेसिकली ये किरदार गायब होने की और ये वजह की है कि रियासत जो सियासी जमातें बनाती थी उन सियासी जमातों में कुछ लोग होते थे तो वो पार्ट टाइम ये काम भी करते थे, लेकिन अभी कोई वो शख्स नहीं है। लेकिन इंडिया को ये एडवांटेज हासिल है कि वहां के जो पॉलिटिशियन हैं जो कि हुकूमत में होते हैं वो ही अपनी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग पॉलिटिकल माइलेज फॉर वोट विनिंग एज अ वोट विनिंग क्लॉज इस तरह के जो टर्म्स हैं वो इस्तेमाल करते हैं ताकि वो एक अवाम के अंदर एक बयानिया जो है वो जो दाएं बाजू एक बयानिया है भारत के अंदर जो कि सरकार का बयानिया है जो कि बीजेपी का बयानिया है जो कि उनकी जो कोर ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस का बयानिया है उसको लेकर के चलें और ये कहें कि जी हम ये कर सकते हैं। अभी तो लार्जली हमने देखा है कि इंडिया समझता है कि पाकिस्तान से बात करना भी जरूरी नहीं है, उनका मीडिया उनके लोग वो समझते हैं। मुझे एक दफा किसी इंडियन जर्नलिस्ट ने बताया कि हम अक्सर सोचते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ स्पोर्ट्स के क्यों करें, हमें तो वो फायदे ही नहीं मिलना, हमें तो वो कारोबार ही नहीं है पाकिस्तान में होना, तो हम क्यों पाकिस्तान के साथ स्पोर्ट्स की बात करें, हमें तो नहीं स्पोर्ट्स का कोई एडवांटेज मिलना वहां से। तो ये क्वेश्चंस हैं इंडिया के पास बहुत ज्यादा तेजी से आ रहे हैं कि यार पाकिस्तान की तो क्रिकेट ही कोई नहीं है, पाकिस्तान की स्पोर्ट्स ही कोई नहीं है। सो इंडिया समझता है कि दिस इज एन इररिलेवेंट कंट्री। तो जिस तरह अगले दोस्तों जैसा कि आपने देखा वीडियो में कि किस प्रकार पाकिस्तान के जो यूट्यूबर थे काफी ज्यादा निराश से लगे थे, और पाकिस्तान का एक बंदा बड़ी बड़ी तारीफें भी कर रहा था कि ये कर देंगे वो कर देंगे ये नहीं कर देंगे वो है। अभी ओसामा बिन लादेन जो था वो अमेरिका पकड़ के ले गया पाकिस्तान से, तो ये इनकी फौज कहाँ थी, इनकी आर्मी कहाँ थी, इनके नेता कहाँ थे, इनके मंत्री कहाँ थे, इनकी सरकार कहाँ थी, तब कहाँ थे, लेकिन ये बड़ी बड़ी बातें करने में मायरे। दोस्तों अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें।